नमस्कार दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में यही दिखाया है कि 2 बजे रात को पटना रेलवे स्टेशन का हम लोग मुआयना करने के लिए गए थे और स्थिति जानने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग दादाजी 2 बजे रात को रिक्शा चलाते हुए नज़र आए। दादाजी से वार्ता किया गया लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही थी, और आइए देखते हैं कि दादाजी क्या कह रहे हैं, दादाजी की आखिर क्या मजबूरी है कि आज यह रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने माता पिता बुजुर्गों का ध्यान रखें। ऐसी क्या परिस्थिति है कि आप 70-80 की उम्र में रिक्शा चला रहे हैं, रात को 2 बज चुके हैं? रिक्शा इसलिए चला रहे हैं अपने पेट के लिए, बाल बच्चे के लिए नहीं, अपने कपड़े पहनने के लिए, खाने पीने के लिए। बहुत से लोग तो काम करने के बाद दारू पीते हैं और आप इस समय दूध पी रहे हैं। हमें दारू से भी नफरत है, मेहरारू से भी नफरत। ऐसा क्यों? ऐसा हमने दुनिया में बहुत बुरा देख चुका, 5 बेटा है वो भी बेचारा दूध काट रहा है, जिसको नहीं है वो भी दूध काट रहा है। हम इसी सोच के बस हमने शादी किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर दोबारा शादी हमने नहीं किया, मिला तो बहुत हो बाज़ार में, बाकी हमने। इस समय कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं आप? बस यही रिक्शे पर। सुनो ना, कहाँ था भाई, कहाँ सोते हो? रिक्शे पर सो जाते हैं, नहाना धोना शौचालय में रहती हूँ, खाना पीना होटल। बरसात होती तो कहाँ रुकते हैं आप? मिशन रोड पर जाते हैं। कोई तो रूम होगा ना आपका कि मेरे पास यहाँ इस जगह रूम है? जो लोग दारू पीते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दारू तो पीना ही नहीं चाहिए, दारू पीना समझता है, दारू को पानी की तरह समझ के पीने लगता है, दारू दवाई लिखा होता है। इस समय क्या हो रहा है बाबा? 1 बज रहा है और 1 बजे में लोग खाना खा पी करके सोते हैं, और आप उस समय किसका इंतजार कर रहे हैं रिक्शे को? अभी खाना खा के जस्ट आ ही रहे हैं, आप दूध पी के सो जाएंगे। बच्चे कितने हैं आपके पिताजी? सबके नहीं है, बच्चे नहीं है अभी। आपने कहा कि मैं काम का सुख तो मेहनत करता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए। अपने पेट के लिए? अच्छा, अपने पेट के लिए खाना कपड़ा। दादाजी, एक आपसे और क्वेश्चन होगा, बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा? कोई नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सबसे बड़ा रुपया है, हमारे पास रुपया ही नहीं है। इस समय आपके पास कितना पैसा होगा? बस 200। अच्छा, बरसात होती है तो मतलब रूम पर जाते हैं किस होने के लिए ना? रूम नहीं लिए आपके? नहीं। प्रॉपर घर कहाँ पड़ता है आपका? घर का ये बस महुआ से आगे। महुआ से आगे